नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में एंटी माफिया कार्रवाई चरम पर है। लगातार भू माफिया और अपराधियों के सरकारी भूमि पर बने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और भूमि को भी उनके कब्जे से छुड़ाया जा रहा है, लेकिन ग्वालियर प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक महिला को बड़ी राहत दी है। दरअसल सिंधी की छावनी इलाके में रहने वाली राजकुमारी राजपूत ने 10 वर्ष पूर्व ज्ञान सिंह यादव से बड़ापुर में 2.5 लाख रुपए में एक प्लॉट लिया था, जिसे बाद में ज्ञान सिंह ने कब्जा कर लिया और दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। राजकुमारी ने कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह से गुहार लगाई तो कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ज्ञान सिंह यादव को प्लॉट वापस करने के आदेश दिए। वहीं रजिस्ट्रार को भी रात को कार्यालय पहुंचकर राजकुमारी के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए। राजकुमारी ने इस कार्रवाई के लिए कलेक्टर को जिला प्रशासन को धन्यवाद किया है। उनके प्लॉट की कीमत आज 1.5 करोड़ हो चुकी है, इसे लेकर वे काफी खुश हैं। वहीं कलेक्टर का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के मुताबिक कमजोर लोगों को न्याय मिले, इसके लिए एंटी माफिया मुहिम जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से गरीब कमजोर वर्ग में भरोसा जगा है। हम सिंधी की छावनी रहती हैं। क्या मामला था जो आपको कब्जा मिला रात में? हमने एक प्लॉट लिया था सागर ताल रोड पे ज्ञान सिंह यादव से। वो उसने किसी पेट्रोल पंप वाले को बेच दिया और काफ़ी उससे विनती की हमने, जब उसने एक प्लॉट दिया हमें उस पर भी ना उस कब्जा नहीं करने दे रहा। हमारी बाउंड्री है, टीन सेट है उस पर, तो उस पर जाने नहीं दे रहा था, बंदूक लेके आ जाता। फिर हमने यहाँ आवेदन दिया कलेक्ट्रेट में, तो यहाँ से हमें कलेक्टर साहब ने मदद किया हमारी। क्या रजिस्ट्री हुई आपकी? हाँ, इन्होंने हमारी रजिस्ट्री करवाई। रात में हुई थी? रात में रजिस्ट्री हुई थी। अभी आपकी जमीन कितने में ली थी और कितनी कीमत हो चुकी है जमीन की? लगभग 2.5 लाख में ली थी हमने। अब कितनी कीमत लग रही है? अब 1.5 करोड़ बता रहे हैं ये। तो आप यहाँ क्या समस्या लेके आए थे अभी, क्या रजिस्ट्री को लेकर? हमारी वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा था तो रजिस्ट्री के उसमें आए थे हम लोग। रजिस्ट्री हो रही है? हाँ, रजिस्ट्री हो गई अब हमारी। आपने मदद मांगी है कि रजिस्ट्री के पैसे भी दिलवाए जाए? एंटी माफिया अभियान की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 6 डंपर एक साथ कल पकड़े थे माइनिंग के, उन पर भी जुर्माना कर रहे हैं। इसके अलावा कल्लू खान और नेहरू बाल्मीकि, इन दो लोगों पे 50 से ज़्यादा, एक पे 56, एक पे 34 मुकदमे दर्ज थे। उनके सरकारी जगहों पर जो 2 घर बनाए गए थे उनको जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा जो ज्ञान सिंह यादव ने 2 हितग्राहियों को, एक का प्लॉट जो है छीन लिया था, वो दूसरे को बेच दिया था, वो 2,80,000 में ख़रीदा था और जब उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए हो गई तो उनकी नीयत ख़राब हो गई, तो वो वापस रजिस्ट्री उनकी करवा दी है। इसके अलावा जो एक व्यक्ति का प्लॉट उन्होंने ले लिया था और दूसरे को बेच दिया था, 10 लाख रुपए उनसे लिए थे, ब्याज सहित 15 लाख रुपए उनके लौटा दिए। तो एंटी माफिया अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग कार्रवाई